नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। बेखौफ बदमाश लगातार शहर में दे रहे हैं लूट और झपटमारी की वारदातों को अंजाम। एक ही दिन में बदमाशों ने अलग अलग जगहों से लोगों से लूटे मोबाइल फोन व नकदी। शहर में बढ़ती ठगी की वारदातें, ठगों ने ठगी का निकाला नया तरीका। उपभोक्ताओं को बिल संबंधित भेजे जा रहे हैं मैसेज, जिसकी वजह से लोग हो रहे हैं ठगी का शिकार। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड में मिली थोड़ी सी राहत, दिन में निकली धूप लेकिन रात में फिर से हुई जगह जगह पर बूंदाबांदी। पानीपत पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को किया काबू। साथ ही पकड़े गए आरोपियों से 18 वारदातों का हुआ खुलासा और चोरी की गई 38 बैटरी, 15 मोबाइल फोन, एक गैस सिलेंडर व वारदात में प्रयोग की गई बाइकें भी की गई बरामद। एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने वाले आरोपी को स्मालखा में रेलवे रोड पर नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शनों सहित किया गिरफ्तार। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने ठंड को देखते हुए स्कूलों में बढ़ा दी छुट्टियां, अब 23 जनवरी को खुलेंगे स्कूल, 10वीं व 12वीं की बोर्ड की कक्षाएं लगती रहेंगी। तहसील कैंप की परशुराम कॉलोनी में हुए हादसे को लेकर एफएसएल का दावा, गैस लीक बनी हादसे की वजह, 6 लोगों की हुई थी हादसे में मौत, आज बंगाल पहुंचेंगे शव। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जिला परिवहन अधिकारी ने सड़कों पर खड़े वाहनों और अधिक सवारी बैठाने वाले वाहनों को किए चालान, 49 वाहनों पर लगाया गया 6 लाख रुपए का जुर्माना भी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वैसे पानीपत के साथ, नमस्कार। Colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining.